तो स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो आज हमारा है तीसरा व्लॉग और आज हम यहाँ बैठे हैं। तो आज अभी स्नान वगैरह कर लिया है और अभी नाश्ता करने वाले हैं। नाश्ता करके हम जाएंगे बाबा साहेब की जो दीक्षा भूमि है वहाँ जाने वाले हैं और दीक्षा भूमि जाने के बाद में आपको वहाँ का व्यू बताते हैं। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ का व्यू है जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है और ये काफ़ी इधर डाइनिंग हॉल बना हुआ है जहाँ पर हम नाश्ता वगैरह करने वाले हैं और उसके बाद में हम दीक्षा भूमि जाके वहाँ का आपको दृश्य बताते हैं। गाइज आज हमारा जाने का है प्लान कहाँ पर दीक्षा भूमि में। तो अभी यहाँ से रवाना हो चुके हैं और ये मेन गेट है, मेन गेट से निकलने वाले हैं। उसके बाद में हम जाएंगे दीक्षा भूमि। तो दीक्षा भूमि जाके वहाँ के व्यू बताते हैं। अभी यहाँ पर दोस्त भी साथ में हैं। हेलो दोस्तों, अभी तो जा रहे हैं इसमें लिफ्ट में, जाने का प्लान था, अभी लिफ्ट बंद है। लेकिन अभी ये तो ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट में, इसके बाद में हम ऊपर जाएंगे और अभी मेट्रो उतर के और बाद में हम जा रहे हैं बाड़ी और बाड़ी से निकलेंगे सीधा हम तथागत बुद्ध की भूमि जहाँ पर हम अभी निकल रहे हैं। ये अपनी सीढ़ियों से, डाइनिंग सीढ़ियों से, और इसके पीछे है हमारा दोस्त, ये देखिए गेंज महाराज। अभी मेट्रो आने वाली है और इसका वेट करते हैं। मेट्रो आने के बाद में इसमें जाते हैं। ये देखिए मेट्रो स्टेशन है पूरा। अभी मेट्रो पता नहीं कितनी बजे आएगी मेट्रो आने। अरे यार मेट्रो चली गई, ये जा रही है मेट्रो, तो हमने थोड़ा लेट हो गया तो वापस आएंगे, वेट करना पड़ेगा। गाइज अभी मेट्रो आ चुकी है और मेट्रो आने के बाद में अब मेट्रो में बैठने वाले हैं और मेट्रो में बैठ के जाएंगे बाड़ी के लिए। तो यहाँ से निकलते हैं मेट्रो में। आज फर्स्ट बार हम मेट्रो में सफ़र करने वाले हैं। मेरा तो कभी किया नहीं, मेहनत किया नहीं हो भाई साहब, साथ में इन्होंने सफ़र बहुत किया है। मैं अभी कहाँ पर हूँ, अभी हूँ प्रतापी नगर यानी लखनऊ नागपुर में हूँ। अभी मेट्रो में बैठे हैं, इस तरह से पहली बार बैठे हैं मेट्रो। तो अभी जा रहे हैं सीताबाड़ी स्टेशन पर, अभी छोड़ेगी और सीताबाड़ी से हमको टैक्सी या बस का पकड़ने पड़ेगा। उधर से हम बाद में जाएंगे सीधा रिक्शा पर। ये उनका टिकट है, टिकट हमने ले लिया, स्कैन कर दिया। मैं तो सोच रहा हूँ कि पता नहीं पहली बार गया हूँ तो किस तरह से मेट्रो में सफ़र होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हर सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है। अभी वहाँ जाते हैं, उतरते हैं, उसके बाद हम आ गए हैं दीक्षा भूमि। ये टेम्पो वाले भैया ने हमें यहाँ छोड़ दिया, अभी पेमेंट करते हैं। उसके बाद में ये सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा दीक्षा भूमि है। बाबा साहेब की खुलने का समय 7 बजे से रात 8 बजे तक है। और यहाँ देखिए तो यहाँ पर बाबा साहेब से संबंधित प्रत्येक तरह की मूर्तियाँ वगैरह, तस्वीर और कई अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सभी प्रकार के सामान मिल जाते हैं बाबा साहेब की और तरफ से राष्ट्रीय बाबा साहेब पूर्णिमा से अलग अलग लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वो चलते हैं अंदर, चल के आपको बताते हैं कैसा है, क्या चीज़ें और अंदर का भी बताते हैं। अभी हम जा रहे हैं दीक्षा भूमि के अंदर और अंदर जाके
ये व्यू वगैरह बताते हैं आपको। ये देखिए इधर दीक्षा भूमि पुरुष गार्ड रूम वगैरह है, और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर सामने ही दीक्षा भूमि है, और इधर अलग अलग प्रकार के रूम बने हैं। रूम के अंदर जाके देखते हैं क्या क्या सिस्टम है, और इधर पार्किंग वगैरह लगा हुआ है। ये आप देखेंगे बहुत धर्म के झंडे हैं जो पंचरंगी ध्वज से ये लगा हुआ है। यहाँ पर संविधान की प्रति भी लगी हुई है आप देखेंगे तो, या जूम करके बता देते हैं। ये है बाबा साहेब से जुड़े हुए जीवन से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में यहाँ जिक्र है। तो ये देखिए जहाँ जहाँ बाबा साहेब ने गए, क्या क्या बड़े बड़े काम किए, किस किस के साथ में किए और किस किस का साथ दिया, क्या न्याय दिया, जो भी सिस्टम है यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे परिसर में ये लिखा हुआ है। बुद्ध जयंती समारोह पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भाषण देते हुए और दिल्ली में जैसे ये अलग अलग स्थान पर लिखा हुआ है। ये जो भी है हिंदू जिस 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते समय बाबा ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन माना गया है। इस तरह से काफ़ी संख्या में यहाँ जो बाबा साहेब से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण घटना है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। ये अभी देख रहे हो ना, ये नीचे से अभी को आपको जो व्यू बताया है इसके ऊपर बना हुआ गुंबद है जहाँ पर आप देखेंगे कि ये बना हुआ है। इसमें अंदर देखेंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर है गौतम तथागत बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और पूरा ये खाली है। सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही बाहर से शानदार कलाकृति से बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर वैसे देखने के लिए लाइक अभी कुछ नहीं है, लेकिन जो भी समारोह वगैरह होता है उस समय कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को लाइक ज़रूर होता है। इधर पास में ही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर यानी अम्बेडकर जी की कॉलेज बनी हुई है दीक्षा भूमि में। ऊपर देखेंगे तो वो आपको दिखाई दे रहा है वो कॉलेज है, और ये वो पीपल का पेड़ है जहाँ पर बाबा साहेब इसके नीचे बैठा करते थे और उसके नीचे बैठकर वो पढ़ाई वगैरह किया करते थे, वो ये है। और उधर आप पास में देखोगे तो एक मकान बना हुआ है, वहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएँ हैं जो वो हैं वहाँ पर दर्शाई गई है, उसमें लिखी गई हैं। और अभी काफ़ी समय हो गया है तो यहाँ पर बाबा साहेब और तथागत बुद्ध की मूर्ति भी है आपको दिखाई देगी, लेकिन यहाँ काफ़ी धूप के कारण सही दिखाई नहीं दे रहा है। ये है यहाँ का जो दृश्य है आप देख रहे हैं। दोस्तों अभी हमने फ़ोटो कैमरे से प्रिंट करवाया फ़ोटो और एक यहाँ से याददाश्त के लिए फ़ोटो निकला दिया है, और अभी हम वापस आ गए हैं अपने गेट पर। और तो अब हम निकलने वाले हैं वापस अपने टूर को ख़त्म करके और जाने वाले हैं टेम्पो में, और टेम्पो में जाके उसके बाद में सीधे मेट्रो में जाके हम चले जाएँगे वापस पहाड़ी, जो पहाड़ी और कौन सा स्थान है वहाँ पर चले जाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल गाइस।